हरियाणा स्टेट नारकोटिक यूनिट पलवल की टीम ने ऑपरेशन आक्रमण के तहत गांव चांदहाट में एक युवक को मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। देखिए पूरी खबर पलवल से हमारे पत्रकार नितिन शर्मा के साथ। ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया था, जिसके तहत हमारे को एक सूचना मिली थी कि गांव चांदहाट में नशीला पदार्थ बेचता है। जिस सूचना पर हमारी टीम में SI केपी लाल के नेतृत्व में वार्ड जो है रेड की गई। रेड के दौरान तलाशी ली गई तो 200 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा तथा एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस मिला, जिस पर केस रजिस्टर करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माननीय श्रीकांत जाधव जी के दिशा निर्देशों में पूरे हरियाणा में 12 टीमें काम कर रही हैं और जहाँ जहाँ नशे की सूचना मिलती है वहीं रेकी करके रेड की जाती है तथा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है।